रायबरेली में मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने दिया धरना। यूपी के रायबरेली जनपद से खबर आ रही है, जहां विकास भवन में हड़कंप उस समय मचा जब सैकड़ों आंगनवाड़ी की महिलाएं अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गईं और सरकार द्वारा किए गए वादों को कोरा साबित होने पर योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए समस्याओं के समाधान की मांग की। दरअसल सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज से कुछ माह पूर्व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के वेतन में बढ़ोतरी कर 1500 रुपए बढ़ोतरी करने का वादा किया था, किंतु यह आश्वासन सिर्फ बातों तक ही सीमित रह गया। धरने पर बैठी आंगनवाड़ी की महिलाओं ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को कई महीने से मानदेय नहीं मिला, यदि समस्याओं का समाधान नहीं करवाया गया तो जल्द ही प्रदेश स्तर पर धरना देने की बात कही। अंशु श्रीवास्तव, टीवी इंडिया 3 जिला संवाददाता, रायबरेली। मेरा नाम दीना सिंह है। कहाँ के निवासी हैं? मैं नगर ब्लॉक अध्यक्ष हूँ रायबरेली जनपद से। क्या समस्या है लोगों की? हम लोगों की समस्याएं ये है कि हम लोगों को न्यायोचित मानदेय नहीं दिया जा रहा है। 120 दिन का वादा गवर्नमेंट ने किया था, उसको भी नहीं पूरा किया, और हमारी जो बहनें रिटायर कर दी गई है 62 साल में, उनको कुछ भी नहीं दिए हैं। 62 साल की सेवा लेने के बाद उनको सेवानिवृत्त कर दिया गया है बगैर कुछ दिए हुए। तो हम चाहते हैं कि हमारी बहनों को कुछ सुविधाएं जो उनके स्तर की हैं उसको वो दें और अपना वादा पूरा करें। हम लोग उनसे अपना और कॉन्फ्रेंसिंग काल में 1500 रुपये उन्होंने बढ़ाया था, वो भी आज तक लागू नहीं किया गया, ना हम लोगों को मिला है। इसलिए हम लोग चाहते हैं सरकार से, मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारी बहनों के जो है न्यायोचित मानदेय देने की कृपा करें। 4 साल उनके कार्यकाल को पूरा हो रहा है, 5वां साल लग गया है, लेकिन अभी तक वो मौन बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? रेशमा सिंह, ब्लॉक सकाव। क्या समस्याएं हैं आपकी? सर मेरी समस्या है 2016 और 17 के बीच में 17 माह का मेरा मानदेय नहीं मिला। किस पद पे आप तैनात थे? आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, और अपने विभाग से पता नहीं कितना एप्लीकेशन दिया, डायरेक्ट DPO सर को दिया गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। आप क्या चाहते हैं? अरे सर, चाहते हैं कि मेरा पूरा मानदेय मिले, और मैं बराबर एक दिन ना मीटिंग कैंसिल की हूँ सिर्फ इस उम्मीद पे कल मिलेगा। क्या आपने शिकायत किया इसकी कहीं? बहुत हमने खुद पर्सनल इससे नहीं किया, ये बताइए कम से कम हजारों तो फोटो कापी दे। क्या आश्वासन मिला आपको? हो जाएगा, बस हो जाएगा कि नाते हम बराबर काम कर रहे हैं। अब बराबर ये कहा जा रहा है कि आपको मिलेगा मिलेगा, इस कारण हम बराबर काम कर रहे हैं। मेरा नाम लीना पांडे है, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आंगनबाड़ी कर्मचारी वो सहायता एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष हूँ रायबरेली से। क्या समस्या है आप लोगों? हमारी समस्या ये है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने अपने लोक सेवा संकल्प कल्याण पत्र में सन 2017 में एक आदेश जारी किया था कि हमारी जब मांगे हमारी जब सरकार आ जाएगी तो आपको न्यायोचित मानदेय दिया जाएगा 120 दिन के अंदर में, वो भी नहीं दिया। और उन्होंने कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सन 2018 में उन्होंने हमारी मानदेय 1500 रुपया बढ़ाया था, जो आज तक नहीं मिला, वो सिर्फ कॉन्फ्रेंसिंग में ही रह गया, वो भी नहीं मिला। और हमारी जो आंगनबाड़ी बहनें हैं, 62 दिन का धरना हम लोगों ने रखा, वो भी उन्होंने उसका भी हम लोगों का मानदेय दो महीने का मानदेय उन्होंने काट लिया, वो भी नहीं दिया। और हमारी जो आंगनबाड़ी बहनें 45 साल से कार्य कर रही थी, उनका भी सेवानिवृत्त कर दिया कोरोना काल में, उनसे भी ड्यूटी ली। अब आप चाहते क्या है सरकार? हम सरकार से इतना चाहते हैं कि उन्होंने जो अपने लोक कल्याण पत्र में उन्होंने जो जारी किया था उसको पूरा करें, और हमारी जो बहनें रिटायर हो गई उनको जीवन यापिका के लिए उनको कुछ दें, ताकि उनका जीवन यापन हो सके और हमारा मानदेय बढ़ाएं। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होता, लोग आगे क्या करेंगे? हम लोग इसके आगे प्रदेश स्तर पर धरना रखेंगे। हमारी मांगे से मैं मांग नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ उनका दिया वादा याद दिला रही हूँ। जिन्होंने उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो मैं दूंगा, तो मैं उसको सिर्फ न्यायोचित मानदेय चाहिए, और मेरी बहनें जो रिटायर हो गई हैं उनको न्यायोचित जो है पैसा चाहिए, और हमारी बहनें जो दो महीने के धरने का जो पैसा काट लिया वो मानदेय वापस चाहिए।